हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज आप सब लोगों के लिए एक और अनबॉक्सिंग वीडियो आ गई है। कुछ भी प्लान नहीं है, जो खरीद रहे हैं बस वही अनबॉक्स कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई अनबॉक्सिंग चैनल तो है नहीं। और ये जो आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ लैपटॉप, इससे पहले मैं आपको अपने भाई का लैपटॉप दिखाता हूँ। पहले ये मेरे भाई का लैपटॉप है, इसके साथ स्लीव आई थी बॉक्स के अंदर ही। और आप कंडीशन देखो लैपटॉप की, कितना साफ़ है। अगर आपको इस पे यहाँ पे डस्ट दिख रही है, अंदर से खोल के दिखाता हूँ। अंदर से भी बाहर स्क्रैचेस भी हैं। और जो अंदर लैपटॉप है, इसमें आप उंगलियों के निशान देख सकते हैं। टच स्क्रीन लैपटॉप है, इसमें डस्ट इतनी है कि उंगलियाँ जो टच के लिए यूज़ हुई है वो उंगलियों के निशान बड़े हुए हैं। और कीपैड पे भी इतनी मिट्टी है जितने पुराने पीसी के उस पर मिट्टी होती है ना, कीबोर्ड्स पे जो लोग वैक्यूम क्लीनर से साफ़ करते हैं, उतनी मिट्टी है लैपटॉप पे। तो इस लैपटॉप की एक खासियत और है कि ये टैबलेट बन जाता है, रोटेट हो जाता है ये 360 डिग्री पूरा ऐसे करके। तो मेरा लैपटॉप नहीं होता ये, एक बार मम्मी ने कोशिश करी थी, बीच में ही रोक लिया हमने। ये तो हो जाता है। ये मेरा लैपटॉप है, इसमें प्रोसेसर है Ryzen 7, इसमें i7। दोनों लैपटॉप ASUS के हैं। जो तीसरा अनबॉक्स करेंगे वो भी ASUS का ही लैपटॉप है। और आप मेरे लैपटॉप की कंडीशन देखो, बिल्कुल साफ सुथरा लैपटॉप। ये देखो, कोई डस्ट नहीं है इस पे, बिल्कुल साफ रखा हुआ। जबकि हमारा कोई इसका पुराना लैपटॉप नहीं, एक साथ ही लिया था हमने। अब अपनी अपनी हैंडलिंग होती है। अच्छा, और मैं ये कह रहा था कि जैसे इन दोनों लैपटॉप के साथ हमें स्लीव मिली है, बॉक्स के अंदर ही थी। अब चेक करते हैं कि इस लैपटॉप में स्लीव है कि नहीं। इन दोनों लैपटॉप से ज़्यादा एडवांस है ये वाला लैपटॉप। इसमें प्रोसेसर है Ryzen 9। और ये लैपटॉप हमने बेसिकली लिया है, आपने पुराने ब्लॉग में देखा होगा कि मेरे को स्पेशली दादू के घर जाना पड़ता था, क्योंकि मेरा भाई जो है वो ऑस्ट्रेलिया से अपनी मैथ्स क्लास लेता है इधर ट्यूटर से। तो वहाँ पे ना दादू को सेट करना आता लैपटॉप, और दादू का लैपटॉप भी काफ़ी मतलब वो हो चुका है, उसका सॉफ्टवेयर काफ़ी पुराना हो गया, तो वो स्पीड वीड उसकी बहुत स्लो है, तो इसे वर्क नहीं करता ऑनलाइन क्लास में। तो मेरे को जाना पड़ता था अपना लैपटॉप लेके। तो फिर मेरा यूनिवर्सिटी की ओरिएंटेशन स्टार्ट हो गई, तो मैं जा नहीं पाता था, तो उसकी क्लासेस रुक गई हैं। तो इसलिए स्पेशली लैपटॉप लिया है ऑनलाइन क्लास करवाने के लिए। आज जाऊंगा और ये इसको सेट कराऊंगा ताकि उसकी क्लास कंटिन्यू हो सके। अब इस लैपटॉप की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये बॉक्स आ गया हमारे पास, ये है ASUS VivoBook 16। और इसके पीछे इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई हैं, जैसे कि इसकी VRAM, CPU, AMD Ryzen 9 है इसमें, SSD 1TB की। इन दोनों लैपटॉप्स में भी SSD 1TB की है जो हमारे पास पहले हैं। और ज़्यादा मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें, काफ़ी कुछ टेक्निकल है। और बाकी 16GB की RAM है इसमें, VRAM 4GB की है, और OLED स्क्रीन है। तो इसका यहाँ पे मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा है 1,16,990, पर ये हमें पड़ा है कुल 1,07,000 का। और इसके साथ हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 फ्री मिलता है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑनलाइन क्लासेस में खासकर, क्योंकि अगर ये साथ ना मिले लैपटॉप के तो आपको फिर अलग से इसको परचेज करना होता है। तो आओ इस लैपटॉप की हम अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है नया लैपटॉप या नया प्रोडक्ट खोलना, कोई खासकर जो कंपनीज पैकेजिंग इतनी अच्छी करके देती हैं उनका। ओह, बहुत बड़ा बॉक्स है इसका, मेनली स्लीव यहीं पे होती है। देखते हैं स्लीव है इसमें, नहीं स्लीव नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, इसका अलग से बैग लेंगे फिर। अब ये मेन प्रोडक्ट हमारा लैपटॉप है, इसको बाहर निकालते हैं।
इसको साइड रख देते हैं, पहले बॉक्स कंटेंट पे देख लेते हैं, बॉक्स कंटेंट में क्या क्या है। ये से कुछ मैनुअल्स हैं और ये इसका वो है वारंटी कार्ड टाइप। ये क्या है, ये मैंने पहली बार देखा है। ओके ये स्टिकर्स हैं पर इसको अभी हम नहीं लगाएंगे। अच्छा, आप लोगों में से कई सोच रहे होंगे कि भाई Ryzen 9 क्यों लिया ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो Ryzen 9 इसलिए लिया है ताकि अगर कुछ सा मतलब लॉन्ग टाइम का सोच के कि बाद में भी जब नए प्रोसेसर आ जाएं, तो ये प्रोसेसर जो हमने अभी के हिसाब से लेटेस्ट प्रोसेसर लिया Ryzen 9, ताकि ये काफ़ी टाइम तक अच्छा चले साथ दे। और बॉक्स कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे ये चार्जर है इसका, और ये चार्जर की पावर केबल है। इसका बहुत बड़ा चार्जर है ये, तो अभी तो लैपटॉप मेरे हिसाब से चार्ज ही होगा थोड़ा बहुत। इसको हम रख देते हैं साइड। अब हम लैपटॉप खोलते हैं। लैपटॉप की हम ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है इसको रिमूव कर लेते हैं। बहुत ही सेटिस्फाइंग है इसको हटाना, वो ऑब्वियसली पोर्ट ऑफ प्लास्टिक है। आराम से भाई, आराम से। और ये हमने निकाल लिया इसको सेफली बाहर। मेरे हाथ से बहुत कांड होते हैं, शुक्र है ये वाला नहीं हुआ। चलो इसको खोलते हैं। वाह, बहुत ही सुंदर लैपटॉप है, बहुत ही अच्छी लुक है इसकी। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है Ryzen 9 5000 सीरीज। ऑफिस होम 2019 फ्री है इसके साथ। और ये इसकी कुछ और क्वालिटी लिखी हुई है, वेब कैम प्राइवेट शील्ड है इसमें, जो कि ये होती है। ये इसको आप ऑफ या ऑन कर सकते हो यहाँ से, आपकी प्राइवेसी के लिए। अभी ये ऑफ पे आया था पहले हमारे पास। और ब्लू लाइट फिल्टर है इसमें, और ड्यूअल फैन है। अच्छा, इसमें फिंगर लॉगिन है, यहाँ पे है फिंगर लॉगिन पावर बटन पे। पावर बटन का है इसका, इसे मैं देख के बताता हूँ। मैंने भी आपके साथ ही खोला है पीसी। अच्छा, ये है पावर बटन, देख रहे हैं आप, इसमें ही फिंगर सेंसर है, देखने से लग ही नहीं रहा। और आगे और क्या क्या है, नॉइस कैंसिलेशन भी है। बाकी हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं और क्या क्या फीचर्स हैं इसमें। लगता है इसमें पावर नहीं है, इसको हमें पहले चार्ज करना पड़ेगा। ऐसी बात, हमने पहले वॉच की अनबॉक्सिंग करी थी, उसमें भी जो वॉच थी वो चार्ज नहीं आई थी। हमें चार्ज किया था फिर हमने आगे आगे वीडियो बनाई थी। तो इसको मैं चार्ज करके लाता हूँ, फिर आगे दिखाते हैं अंदर कैसा है। तो अब लैपटॉप हमारा चार्ज हो गया है और स्टार्ट हो चुका है। इस लैपटॉप में एक चीज़ मैंने नोटिस करी जब मैं इसको चार्जिंग पे लगाया था, कि इसका एस्केप बटन बहुत सुंदर है, ऑरेंज कलर का एस्केप बटन है। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि इसके पावर बटन में फिंगरप्रिंट स्कैनर है इसका। ये रहा इसका पावर बटन। और अब इसको हम सेटअप कर लेते हैं। तो ये इसकी स्क्रीन है, बहुत ही सुंदर, कितनी बड़ी।
बहुत अच्छी स्क्रीन है इसकी। हम ब्राइटनेस बढ़ा के आपको कलर्स शो करते हैं, कलर्स कैसे हैं इसके। कलर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। और अभी कुछ देखते हैं इसमें, अभी YouTube नहीं है। फोर के वीडियो 4K वीडियो क्वालिटी, ये देखो इसकी वीडियो क्वालिटी। मैं हाई पे करके आपको इसकी स्क्रीन चेक कराता हूँ कैसी है। तो यार वीडियो ऐड सेटिंग्स है सही तो ऐड है। ये रही ये क्वालिटी इसकी, 1080p पे हो रखी है डिफ़ॉल्ट। मैं इसको करूँगा 2160 पे। ये देखो कितनी अच्छी क्वालिटी है। पता नहीं आपको वीडियो में कैसी दिख रही है, पर यहाँ मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है क्वालिटी का। तो ये तो हो गया इसका स्क्रीन का क्वालिटी चेक। अब मैं आपको कुछ दिखाता हूँ इसके अबाउट के बारे में कि इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। तो दोस्तों ये स्पेसिफिकेशंस हैं इसकी, हम मेरे को पढ़ के सुनाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद बहुत समझदार हो सारे। तो मेरे को तो बहुत अच्छी लगी स्पेसिफिकेशंस इसकी। अब इसको करते हैं बंद और इसकी करते हैं कैमरा चेक कि अगर वीडियो कॉल करनी हो तो इसका कैमरा किस लेवल का है। तो ये इसके कैमरे की क्वालिटी है। ये क्लिप मैंने लैपटॉप के कैमरे से शूट करी है, तो आप क्वालिटी चेक कर सकते हो इसके वेबकैम की कैसी है। और इसमें कैमरा शटर भी है कि आप प्राइवेसी के लिए इस कैमरा शटर को यूज़ करके कैमरा बंद कर सकते हो और ऑन कर सकते हो शटर यूज़ करके। ऑन करते ही थोड़ी देर क्लियर वीडियो नहीं आती, कुछ सेकंड्स के लिए फिर क्लियर हो जाती है। तो ये क्वालिटी है इसकी वीडियो की। तो ओवरऑल मेरे को ये बहुत अच्छा लगा लैपटॉप लुक एंड फील में। और अभी इसको हम धीरे धीरे करके इसको कंप्लीट सेटअप करेंगे, इसमें क्रोम भी डालेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर मैंने इसमें कुछ मिस कर दिया हो तो मेरे को ज़रूर बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।